हर गांव में होती है एक पंचायत घर, और पंचायत घर का देखरेख का जिम्मा होता है वहां के चुने हुए प्रतिनिधि का। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ये पंचायत घर खराब होती हुई नज़र आ रही है। पूरी तरीके से ये खंडहर में तब्दील हो चुकी है। चाहे यहाँ की गंदगी की बात करी जाए, चाहे यहाँ इस इमारत की बात करी जाए, हर जगह पर गंदगी और तोड़फोड़ ही दिखेगी आपको। जी हाँ, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घिटोनी गांव की, जो कि अब तब देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पंचायत घर अब खंडहर में तब्दील हो रही है। आपको बता दें कि हर गांव में कोई भी राजनीतिक या किसी समस्या पे कोई भी विचार और साथ ही साथ संवाद किया जाता है, तो उसके लिए पंचायत घर में पंच पहुंचते हैं और वहां पर बैठकर उन मुद्दों पर बात करी जाती है। लेकिन आप यहां पर देखिए, जिस जगह पर लोग जाते थे पहले राजनीतिक और गांव की समस्या के लिए बातचीत करने के लिए, उस जगह की पंचायत घर का हाल क्या हो चुका है। पूरी तरीके से अब यहां पर गंदगी और खंडहर में तब्दील हो रही है ये पंचायत घर। चाहे यहां पर बैठने की जगह की बात करी जाए, चाहे यहां के बाथरूमों की बात करी जाए, हर जगह पर आपको गंदगी ही और गंदगी ही नज़र आ रही है। प्रशासन आखिरकार क्यों बेफक्र है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन की अनदेखी देखने को मिल रही है, कि यहाँ पर जगह जगह पर जो गंदगी है वो पूरी तरीके से छाई हुई है और इसकी साफ़ सफाई कोई करने नहीं पहुँच रहा है। आखिरकार प्रशासन ने इसको अनदेखा क्यों कर रखा है, ये सोचने वाली बात है। इलाके के लोगों ने इसके बारे में बताया कि इसका पुनर्निर्माण जो कार्य जो है 1998 में हुआ था। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं टोरनी गांव का रहने वाला हूँ। यह सर आपका पंचायत घर बना हुआ है, इतनी इसकी हालत है, बताओगे आप इसके बारे में, इसका दोषी कौन है? ये 98 का जैसे आप बोर्ड देख रहे हैं, 1998 में ये पुनर्द्वार लिखा हुआ है कि जो ना हाँ, हमारे यहाँ के MLA ने इसका जो है पुनरुद्धार किया था, पर इसकी हालत जो है मुझे लगता है 98 के बाद कोई भी यहाँ पर सरकारी अधिकारी इसको देखने नहीं आया है। इसकी हालत बहुत ज्यादा जर्जर है, खतरनाक है, ढांचा कभी भी गिर सकता है। जो सारी संबंधित जो विभाग है, सरकारी कर्मचारी सभी सोए हुए हैं, उनका बिल्कुल भी, जब कोई यहाँ पे बड़ी घटना घट जाएगी उसके बाद सब लोग यहाँ लिपापोती करने के लिए आ जाएंगे, बट अभी समय रहते कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोगों ने काफी कोशिशें की हैं कि भाई जो है ना हमारे इस पंचायत घर को कुछ ध्यान दिया जाए और इसके जो है कम से कम मरम्मत ठीक से करा दी जाए, बट कोई भी संबंधित जो सरकारी कर्मचारी है, जो अधिकारी है, उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। दिल्ली सरकार बड़े बड़े वादे करती रहती है कि हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, बट ये जो हालत है इस पंचायत घर की घिटोरनी गांव के अंदर, वो किसी से छिपी नहीं है। आप लोग खुद देख सकते हैं, तस्वीरें जो है सच्चाई बयान करती है।